आज 15 सितंबर 2020 है और आज के दिन इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी मनाया जाता है। तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना इस दिन की जो खुशियां हैं वो हम आप लोगों के साथ शेयर करें, आप लोगों के साथ इस पे बात करें, आप लोगों के व्यूज़ जानें। हम लोगों ने ये चैनल सिर्फ इसलिए बनाया है ताकि हम कुछ सीख सकें इस जर्नी में। तो हम ऑब्वियसली आपसे जानना चाहेंगे आपके व्यूज़, आप क्या सोचते हैं, आप क्या फील करते हैं अबाउट डेमोक्रेसी। बिकॉज मुझे ये लगता है कि डेमोक्रेसी जो है एक ऐसा सिस्टम है विच इज़ यू नो गवर्न्ड बाय द मासेस, मतलब जिसमें इम्पोर्टेंस दिया जाता है सारे लोगों को, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि वो किस क्लास को, किस रिलीजन को, किस ग्रुप को बिलोंग करते हैं, एलीट क्लास हैं या मिडिल क्लास हैं। इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, एक ऐसा सिस्टम जहां सिर्फ इंसान होने की इम्पोर्टेंस है, तो ऐसे सिस्टम को हम लोग डेमोक्रेसी बोलते हैं दोस्तों। तो मैं आपके व्यूज़ भी जानना चाहती हूँ। प्लीज़ कमेंट में हमें, कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करिए, हमारे साथ शेयर करिए अपने व्यूज़। मुझे जितना आता है ऑब्वियसली मैं आपसे शेयर करती रहती हूँ, लेकिन मैं यहाँ सीखने आई हूँ, तो प्लीज़ आप लोग भी मुझे कुछ शेयर करें, कुछ बताएं दोस्तों। सो ये जो डेमोक्रेसी है, मैं आपको बताऊँ, ये एक ऐसा, मतलब गवर्नमेंट का ऐसा सिस्टम है जहाँ पे जो भी लोग मतलब इस हमारी कंट्री को या हमारे वर्ल्ड को जो भी लोग गवर्न करेंगे, वो जो बॉडी होगी उसे लोग सेलेक्ट करेंगे, उनके इलेक्टेड लोग हैं वो हमारे जो भी कंट्री है, जो भी स्टेट है, उसमें वो लोग हाईएस्ट पोजीशंस पर होंगे। और ऑब्वियसली वो ही फिर, क्योंकि वो लोगों के ही थ्रू ही इलेक्ट होके आए हैं, तो उन लोगों के भलाई का काम करेंगे। तो ये दोस्तों, ये जो डेमोक्रेसी है, ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, बहुत ही खूबसूरत कंसेप्ट है। पूरी दुनिया में इट इज़ एक्सेप्टेड एक्सेप्ट फॉर फ्यू कंट्रीज। पहले बहुत किंगडम वगैरह चलता था, किंग एंड क्वीन का कंसेप्ट बहुत ज़्यादा था, लेकिन अब तो डेमोक्रेसी ही ज़्यादा एक्सेप्टेबल है पूरी दुनिया में, क्योंकि लोगों को ये रियलाइज हो गया। ऑब्वियसली अगर लोगों को लेके आप चलेंगे तो एक बहुत ही अच्छा सिस्टम बन सकता है जिसमें सबकी भलाई हो, है ना। क्योंकि हमने ही अपने रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट किए हैं, तो ऑब्वियसली हम वही चीज़ इलेक्ट करेंगे अपने लिए जहां हमारी बेहतरी होती हो। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही डेमोक्रेसी का जो सिस्टम है, ये बहुत ही एक एक अच्छा सिस्टम है। और डेमोक्रेसी जो है फुल फ्लेज्ड, बहुत सब जगह वो होनी चाहिए, एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। और दोस्तों, इस कंसेप्ट में, ये जो डेमोक्रेसी का सिस्टम है, इसमें और भी बहुत सारे इश्यूज आते हैं, जैसे क्योंकि लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, यहाँ अथॉरिटी जो है वो मासेस को दी जाती है, तो इसमें एक कंसेप्ट मेजॉरिटी का भी आता है। मेजॉरिटी का मतलब ये है कि अगर आपको किसी मैटर पे कोई डिसीजन लेना है, तो आप वोटिंग के थ्रू वो डिसीजन लेंगे, मतलब के आप सबकी ओपिनियन लेंगे, कितने सारे लोग हैं उन सबकी ओपिनियन ली जाएगी, और उसमें जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो चाहते होंगे, ऑब्वियसली वो फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, क्योंकि हम किसी की सलाह मशवरे से काम करते हैं और दूसरों को इन्वॉल्व करते हैं अपने एक्टिविटीज़ में, क्योंकि एक आदमी जो है वो अपनी ज़िंदगी में डिफरेंट स्टेजेस पे होता है, और डिफरेंट स्टेजेस के साथ साथ वो अपने दिन में भी डिफरेंट स्टेजेस में हो सकता है, कभी गुस्से में हो सकता है, कभी बहुत वीक फील कर सकता है, कभी स्ट्रांग फील कर सकता है, कभी उसमें घमंड भी आ सकता है, मतलब हर तरीके का इमोशन से हम लोग एवरीडे गुजरते हैं। तो एक आदमी का डिसीजन ना चल के अगर आप बहुत सारे लोग हैं जो डिसीजन ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो डिसीजन जो है फिर लॉन्ग टर्म पे बहुत फायदा करेगा ह्यूमैनिटी का, है ना। एक आदमी का डिसीजन ऑब्वियसली उतना अच्छा
नहीं हो सकता। तो ये कंसेप्ट जो है जिसमें आप दूसरों की ओपिनियन इंक्लूड करते हो इन फाइनल डिसीजंस, वो एक बहुत ही सॉलिड फ्रेमवर्क है जिसमें कि लॉन्ग टर्म लोगों का फायदा होता है। क्योंकि देखिए दोस्तों, जब भी हम सोसाइटी की बात करेंगे तो उसमें बहुत सारे लोग होंगे जो यंग होंगे और उन्हें बहुत एक्सपीरियंस नहीं होगा। वो एक्सपीरियंस हमें मिल जाएगा जो लोग एजेड हैं, जिन्होंने पूरी जिंदगी जी है, 70-80 साल की जो उन्होंने पूरी जिंदगी गुजारी है, वहां से आप एक्सपीरियंस ले सकते हैं। लेकिन जहां हिम्मत की बात आती है, ताकत की बात आती है, तो वहां आपके यंगस्टर्स काम आएंगे। और जो लोग मतलब एजेड हैं, ऑब्वियसली वो अपने आप को इतना ताकतवर नहीं फील करेंगे। सो इट विल बी अ यू नो क्यूमुलेटिव डिसीजन जिसमें हर तरीके की चीज का इन्वॉल्वमेंट होगा। और फिर यू नो इससे बहुत लॉन्ग टर्म गेन्स हो सकते हैं अगर हम ये सिस्टम को अपनाएं। फिर दोस्तों, डेमोक्रेसी में और भी चीजें बहुत सारी इन्वॉल्व होती हैं, लाइक फ्रीडम ऑफ स्पीच इन्वॉल्व होती है, वोटिंग राइट्स इन्वॉल्व होते हैं, राइट टू लाइफ इन्वॉल्व होती है कि हर इंसान को अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने का हक होना चाहिए। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी। इसीलिए हमें अपनी ताकत दी जाती है कि हम अपना जो भी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट सिस्टम है हमारी कंट्री में, उसको हम खुद सेलेक्ट करें दोस्तों। तो ये जो फ्रीडम ऑफ लाइफ है, राइट टू लाइफ है, अबाउट यू नो ह्यूमन राइट्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि अगर हमें अपने राइट्स नहीं दिए जाएंगे तो हम अपनी लाइफ अच्छे से नहीं गुजार सकते, जिंदगी में तरक्की नहीं कर सकते दोस्तों। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर आदमी, अगर आप चाहते हैं किसी भी कंट्री में, किसी भी स्टेट में, कि वो तरक्की करे, उसकी वजह से, क्योंकि देखिए लोगों का क्यूमुलेटिव इफेक्ट जो है वो नजर आएगा उस कंट्री में। तो लोग जितनी तरक्की करेंगे, हमारी कंट्री उतनी तरक्की करेगा। तो जरूरी है कि लोगों को ये फ्रीडम दी जाए अबाउट, ऐसा ना हो कि हम तो बस अपने जीने में, अपने यू नो पैसा कमाने में, खाने में, सिर्फ इस्ते में ही बिजी रह गए। अगर हमारे पास फ्री टाइम होगा, लेजर टाइम होगा और क्रिएटिव टाइम होगा, तो हम यू नो इनोवेशंस के बारे में सोच सकते हैं, हम डेवलपमेंट के बारे में सोच सकते हैं। सो जो बेसिक नेसेसिटीज हैं फॉर लाइफ, लाइक राइट टू लाइफ, राइट टू स्पीच, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी दोस्तों। और आपको मैं बताऊं कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो डेमोक्रेसी में आता है वो है इंक्लूसिवनेस एंड इक्वेलिटी दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोगों को डिफरेंट सेक्शंस में ना बांटें, और अगर हम सेक्शंस में बांट भी रहे हैं तो उनमें भेदभाव ना करें। आप समझ रहे हैं कि मतलब हमने किसी बात से, किसी काम की वजह से हम सेक्शन में बांट लें, लेकिन ये नहीं है कि कोई काम किसी दूसरे काम से ऊपर नीचे होगा, है ना, किसी की ज्यादा इज्जत होगी, किसी की कम होगी, नहीं। एवरीबडी हैज द राइट टू इक्वेलिटी एंड टू इंक्लूसिवनेस। सो कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी इंक्लूड्स इंक्लूसिवनेस इन इटसेल्फ, व्हिच मींस के जो भी सेक्शंस हैं सोसाइटी के, हमारी जो भी जितने भी लोग हैं दुनिया में, आप किसी भी बेसिस पे उन्हें अगर आप रिकॉग्नाइज करते हो, लेट्स से कोई एशियन है, कोई वाइट है, कोई ब्लैक है, कोई भी लैंग्वेज बोलता है, कोई इंग्लिश बोलता है, कोई हिंदी बोलता है, कोई तमिल बोलता है, वो किसी भी लैंग्वेज के हैं, किसी भी सेक्ट के हैं, किसी भी रिलीजन के हैं, उनके बीच में भेदभाव नहीं किया जाएगा दोस्तों। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं जिसकी वजह से आपको मैं बताऊं कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी सोसाइटी एज अ होल, हमारी कंट्री एज अ होल, अगर आप चाहते हैं कि इसमें अच्छा डेवलपमेंट हो, तो ये जरूरी है कि उसके लोग खुश रहें। और लोग तभी खुश रहेंगे जब उनको प्रॉपर राइट्स मिलेंगे, और इसलिए डेमोक्रेटिक सिस्टम बनाया गया है पूरी दुनिया में, ताकि लोगों के सलाह मशवरे से ही, जो देखिए दोस्तों कोई भी कंट्री है उसमें जो गवर्नमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, क्योंकि जो मेजर डिसीजंस हैं ऑब्वियसली वो गवर्नमेंट लेती है। तो अगर आप ऐसे लोगों को मिला के गवर्नमेंट बना रहे हैं जिनको लोगों ने
चुना है, तो वो जो भी डिसीजन लेंगे ऑब्वियसली वो उन सारे लोगों का डिसीजन होगा जिन्होंने उन लोगों को चुना है। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर हम लॉन्ग टर्म गेन्स की बात करें, लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट की बात करें, तो डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। अब मैं आपको बताऊं कि इंडिया ने जो है ये जो वो सिस्टम था डेमोक्रेसी का, ये जब इंडिया आजाद हुआ तब से ही इंडिया ने इस कंसेप्ट को एक्सेप्ट कर लिया था, तब से ही डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है हमारी हमारी कंट्री में जब से इंडिया आजाद हुआ है। लेकिन दोस्तों इंडिया में इस, और इंडिया जो है मैं आपको बताऊं पूरी दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी भी है, क्योंकि बहुत सारे ऑब्वियसली लोग इन्वॉल्व हैं यहाँ पे। तो दोस्तों लेकिन मैं आपको बताऊं, अभी अभी एक मैंने न्यूज़ पढ़ी, उसमें ये दिया था कि जो ये कंसेप्ट है डेमोक्रेसी का, ये इंडिया में अभी का बनाया हुआ नहीं है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस ही बनाया गया है। ये जो कॉन्सेप्ट है इंडिया में ये एंशियंट इंडिया से चला आ रहा है, यानी हमारे जो ऋग वेदास हैं उसमें भी सभा का और समिति का के बारे में आया है कि एक एक बॉडी होनी चाहिए जो सबके मशवरे पे काम करे। तो सभा जैसे किसी गैदरिंग को कहते हैं, या कोई कमिटी है उसको समिति कहते हैं, है ना। ये वर्ड्स आपने अभी भी आजकल भी आप सुनते होंगे। तो ये जो कंसेप्ट है ये ऋग्वेद से आया हुआ कंसेप्ट है, और वेदास ने यहां तक भी बोला है कि जो राजा होता है उसका कोई एब्सोल्यूट रोल नहीं होता, और वो कभी भी जब सभा चाहेगी या जब समिति चाहेगी तो उस राजा को बदल सकती है। मतलब कि लोगों की ओपिनियन का ज्यादा इंपॉर्टेंस है रादर देन के कोई एक आदमी हमारे ऊपर रूल करे दोस्तों। लेकिन अब जब हम इतना ज्यादा वो कर रहे हैं, इंपॉर्टेंस दे रहे हैं इस चीज को कि हमारे पास एक ऐसा गवर्नमेंट, ऐसी गवर्नमेंट होनी चाहिए जो लोगों के थ्रू इलेक्टेड हो और जहां सबको हर तरीके का फ्रीडम हो। मैं आपको एक और चीज, एक और फैक्ट बताऊं कि ये जो डेमोक्रेसी वर्ड है ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है और दो वर्ड से मिलके बना है, डीमोस एंड क्रेटोस। सो डीमोस मींस कॉमन पीपल एंड क्रेटोस मींस स्ट्रेंथ। सो दैट मींस कि जो कॉमन पीपल हैं उनके पास ही सारी स्ट्रेंथ रहनी चाहिए। ऑलराइट। सो अच्छा, अगर अब हम लोग इस चीज को की बात कर रहे हैं कि देयर शुड बी अ सिस्टम विच इज बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, तो दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट चीज जो मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा अपीलिंग लगती है, जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहूंगी, वो ये कि जब भी डेमोक्रेसी की बात आती है तो हम सिर्फ ये सिर्फ गवर्नमेंट के बारे में सोच के क्यों रह जाते हैं। हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए जहाँ इंसानों को ऊपर रखा जाए। वो क्या चाहते हैं, सोसाइटी में जो मेजॉरिटी ऑफ लोग हैं, मेजॉरिटी ऑफ पीपल हैं, वो क्या चाहते हैं, इस सिस्टम को ऊपर रखा जाए। और जैसे मैंने बताया, हर इंसान को हर तरीके का राइट होना चाहिए, राइट टू लाइफ होना चाहिए, राइट टू स्पीच होना चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए, एक ऐसा कंसेप्ट होना चाहिए जहां सब कुछ इंक्लूडेड है, इंक्लूसिवनेस है, सबकी इज्जत है, सब लोग जो हैं वो जो चाहते हैं वो करें और अपनी जिंदगी में जो भी तरक्की करना चाहते हैं वो करें। तो अगर हम एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी की बात करते हैं तो कभी हम उसमें खुद को क्यों नहीं इंक्लूड करते। हमें खुद को भी तो इंक्लूड करना चाहिए। एक ऐसा सिस्टम आप समझिए कि जिसमें लोगों को पावर दी गई है, क्या हमारी जिंदगी में हम लोगों को इंपॉर्टेंस देते हैं? क्या हम ये सोचते हैं कि जो भी हम काम कर रहे हैं, एवरीडे एक्टिविटीज जो भी हम कर रहे हैं, क्या हम ये सोच के करते हैं कि इससे लोगों पे क्या असर पड़ेगा? और
मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो भी हैं हमारे आसपास वो क्या चाहते हैं, और क्या हम उनके फायदे का सोच के कोई भी काम कर रहे हैं। सिर्फ देखिए दोस्तों, गवर्नमेंट पे हर चीज छोड़ देने से तो नहीं होगा ना। गवर्नमेंट तो आप लोगों ने जो भी लोग सेलेक्ट किए वो दे आर जस्ट दी हैंडफुल ऑफ पीपल, है ना। पूरी हमारी जो कंट्री है वो हम सब लोगों से मिलके बनी है। तो जब हमारे अंदर ही कोई डेमोक्रेसी का कंसेप्ट नहीं है तो हम बाहर के फलाने नेता पे छोड़ दें, उस पे छोड़ दें, ऐसा कब तक करते रहेंगे। हमें खुद अपनी लाइफ में डेमोक्रेसी के कंसेप्ट को इंक्लूड करना होगा, उसको उस पे प्रैक्टिस करनी होगी। हमें अपने अंदर इंक्लूसिवनेस लानी होगी कि इरिस्पेक्टिव ऑफ इंसान कैसा है, हम उसके फायदे के बारे में सोचें, लोगों के राइट्स के बारे में सोचें। ह्यूमन राइट्स बहुत बहुत बड़ा कंसेप्ट है, लेकिन बहुत अच्छा कंसेप्ट है, क्योंकि हम जब भी राइट्स की बात आती है, हम अपने राइट्स तो हमें बखूबी याद रहते हैं, लेकिन जो दूसरा बंदा है उसके राइट्स हम हमेशा भूल जाते हैं कि उस बंदे के भी कुछ राइट है और वो राइट हमें उसको देना चाहिए। तो जो ये ह्यूमन राइट्स की बात आती है, ये इट्स ओके फाइन, गवर्नमेंट जो है एक इम्प्लीमेंटिंग बॉडी है, वो ही सारी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करेगी। बट वी शुड ऑल्सो लुक अराउंड अस, अपने आसपास हमें भी देखना चाहिए हम कितना डेमोक्रेसी को फॉलो करते हैं। सिर्फ दूसरे पर बंदूक तान देने से, देखिए दोस्तों, कभी सोसाइटी का कोई मसला हल नहीं हो सकता, बिकॉज इस सोसाइटी का पार्ट हम लोग हैं। हम लोग ही करप्शन करें, हम लोग ही बुरे काम करें, और फिर हम ये एक्सपेक्ट करें कि गवर्नमेंट जो है कुछ अच्छा कर देगी, तो ऐसा नहीं हो सकता। जो हम करेंगे ऑब्वियसली इसी जैसा इंसान करेगा, जैसा सोसाइटी करेगी, उसी का रिफ्लेक्शन होगा कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्योंकि गवर्नमेंट को हमने ही इलेक्ट किया है, ठीक है। तो हमारे अंदर की जो भी क्वालिटीज हैं वो सब छवि जो है वो हमें अपनी गवर्नमेंट में देखने को मिलेगी, ठीक है दोस्तों। तो अब इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये आता है कि हमें अपने अंदर डेमोक्रेटिक जो भी कंसेप्ट्स हैं इनको अपने अंदर इंस्टिल करना है, और इनको अपनी डे टू डे लाइफ में फॉलो भी करना है। सो सिंस डेमोक्रेसी इज द सिस्टम फॉर द पीपल, तो हमें अपना हर डिसीजन लेने से पहले, हर काम करने से पहले ये सोचना है कि इसमें लोगों का क्या फायदा हो रहा है। सिर्फ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे सोसाइटी का या इससे मेजॉरिटी ऑफ लोगों का क्या फायदा होगा, सिर्फ इस पर बेस्ड होना चाहिए कि हम आज किसी पर चिल्लाएंगे या नहीं चिल्लाएंगे, हम आज किसी से प्यार से बात करेंगे या नहीं करेंगे, हम आज किसी को कुछ अच्छा सिखाएंगे या नहीं सिखाएंगे, हम खुद अच्छा कुछ सीखेंगे या नहीं सीखेंगे। हमारा हर एक डिसीजन, हर एक मिनट का, हर एक लम्हे का जो भी डिसीजन है, दैट शुड बी बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी विच इज फॉर सपोर्टिंग पीपल, ठीक है। तो दोस्तों, हमें सिर्फ और सिर्फ ये सोचना है अपनी लाइफ में हम लोगों का कैसे फायदा कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो लोगों के जब भी फायदे की बात आएगी तो बहुत तरीके हो सकते हैं जिससे हम लोगों का फायदा कर सकते हैं। आपको मैं एक एग्जाम्पल दूं कि लेट्स से हम लोग जितना भी पैसा अर्न कर रहे हैं, हमने अपने घर की, अपने फैमिली की सारी जरूरतें पूरी कर ली। अब अगर मान लीजिए कि उसमें से कुछ बचता है और आप अपना, आपका जो भी सेविंग प्लान हो, आप उसमें सेव भी कर लेते हैं, तो जितना आपके पास फिर एक्स्ट्रा बच जाता है, तो वो आप निकल के जो भी आपके आसपास गरीब लोग हैं उनको दीजिए, क्योंकि हमें तो भाई लोगों के बारे में सोचना है ना। हम वी हैव टू फॉलो डेमोक्रेटिक सिस्टम, वी कैन नॉट डिमांड एवरीथिंग फ्रॉम गवर्नमेंट एंड वी आर सेल्फ नॉट बीइंग पार्ट ऑफ इट। ऐसा नहीं हो सकता। जब हम इसका हिस्सा बनेंगे तभी आप देखिए एक अच्छी सोसाइटी बनेगी, एक अच्छी गवर्नमेंट बनेगी दोस्तों। तो अपने हर डिसीजन में इस चीज को लाने की कोशिश करिए, हर छोटे बड़े डिसीजन में। तो जैसे मैंने आपको बताया कि डोनेशन एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो सकते हैं इस चीज का, कि हम लोगों के बारे में सोचें, आसपास देखिए कितनी गरीबी है। हमारे इंडिया में खास तौर से बहुत गरीब लोग हैं, इनके लिए आप कुछ करिए, कुछ सोचिए। क्या हम इनके लिए पूरी सोसाइटी मिलके क्या एक ऑर्फिनेज बना सकती है,
एक आदमी चलिए नहीं इतना अमीर है नहीं कर सकता, सारी सोसाइटी मिलके तो कर सकती है, ऑर्फिनेज बना सकते हैं, ओल्ड एज होम बना सकते हैं, बच्चों के लिए फ्री स्कूल बना सकते हैं, क्यों हम हर चीज सिर्फ गवर्नमेंट से डिमांड करते रहते हैं? हमें भी तो इन चीजों को फॉलो करना ही होगा ना दोस्तों। एंड देन इंक्लूसिवनेस की बात करें, इंक्लूसिवनेस एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है डेमोक्रेसी का। तो क्या आप अपने आसपास ही देखिए, आपके घर में जो काम करने वाले आते हैं क्या आप उनसे बराबरी का सलूक करते हैं? क्या वो आज आपके साथ बैठ के चाय पी सकते हैं? क्या आप उनको उन्हीं बर्तनों में खाने को देंगे जिसमें आप खुद खाते हैं? अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप डेमोक्रेसी को फॉलो नहीं कर रहे हैं, और अगर आप डेमोक्रेसी को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आप जो हैं किसी और से डेमोक्रेटिक कंसेप्ट को की मांग नहीं कर सकते दोस्तों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोगों की इज्जत की जाए, अपार्ट फ्रॉम कि वो किस सोसाइटी से आ रहे हैं, किस तबके से आ रहे हैं, कौन अमीर है, कौन गरीब है, कौन गोरा है, कौन काला है, कौन पढ़ा लिखा है, कौन अनएजुकेटेड है, कौन किस रिलीजन का है, ये सब छोड़ के हम लोगों में इंक्लूसिवनेस लाएं, लोगों को एक बराबर समझें, एक प्लेटफॉर्म पे समझें, सब में बराबरी का हम सुलूक करें, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज होगी। हमारी सोसाइटी में बदलाव आएगा, स्पेशली इंडियन सोसाइटी में बहुत ज्यादा बुराइयां हैं, कास्ट सिस्टम बहुत ज्यादा है, अमीरी गरीबी का फर्क बहुत ज्यादा है, और इवन के हमारे यहाँ तो मेल और फीमेल्स में डिफरेंस किया जाता है। आप लोगों ने इन्फेंटिसाइड, फीमेल इन्फेंटिसाइड, फीमेल फीटिसाइड, इन सब के बारे में तो सुना ही है, डाउरी डेथ्स, तो ये सारी चीजें बुराइयां सोसाइटी की खत्म हो सकती हैं अगर हम अपने अंदर डेमोक्रेटिक कंसेप्ट्स को प्रैक्टिस करने का आज ही वादा कर लें दोस्तों। गवर्नमेंट से ऑब्वियसली ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि उनको जब इलेक्ट किया गया है तो वो ऐसे पॉलिसीज बनाए पूरी कंट्री के लिए जिसमें सबका फायदा हो, लेकिन वी आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी, और हमारे बिना, हमारे इन्वॉल्वमेंट के बिना कभी भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी नहीं बन सकती दोस्तों, आप चाहे कितनी अच्छी गवर्नमेंट को सिलेक्ट कर लीजिए। तो आज ही देखिए दोस्तों, वादा करिए, हम सबको एक दूसरे से वादा करना चाहिए, खुद अपने आप से वादा करना चाहिए, क्योंकि हम जो करते हैं दिन भर ये जो है सिर्फ हम जानते हैं, हमारा दिल जानता है। अगर हम कर भी देते हैं, चलो मान लो कोई सामने खड़ा है उसकी वजह से हमने कर भी लिया, तो दिल में दिन रात कोसते रहेंगे कि वो देखो मुझसे छोटा आदमी है और वो मुझसे कैसे बराबरी की बात कर सकता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। उसके अलावा देखिए दोस्तों, डेमोक्रेसी में बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है राइट टू लाइफ, राइट टू स्पीच। तो क्या कहीं ये सोचिए कि हम क्या किसी के ह्यूमन राइट्स का वायलेशन तो नहीं कर रहे हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर हमारे घर में हमसे छोटे रहते हैं तो उनको हम बात बात पे चुप करा देते हैं, अरे तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है, तुम क्या जानो दुनिया के बारे में, ये बोल के हम काफी बार छोटों को चुप करा देते हैं। बट अगेन वो भी एक इंसान है, हमें उनकी भी सुननी चाहिए, और ऑब्वियसली जब डिसीजन की बात आएगी तो डिसीजन तो मेजोरिटी पे लिया जाएगा, है ना, कि मेजॉरिटी क्या कहती है, लेकिन राइट टू स्पीच तो उनके पास भी है, तो उनको भी बोलने दिया जाए, उनकी बात भी सुनी जाए, उनको भी समझा जाए, स्पेशली जो बच्चे बड़े हो रहे हैं और अपनी टीनेज में जा रहे हैं, तो ये बहुत ही यू नो डेलिकेट पार्ट होता है लाइफ का, और यही वो पार्ट होता है कि जब बच्चों के अगर घर वाले सुनते नहीं हैं तो वो फिर गलत संगत में पड़ जाते हैं, गलत आदतों में पड़ जाते हैं, मतलब स्मोकिंग और ड्रिंकिंग व्हाट नॉट, लेकिन क्योंकि हमने उनको यू नो इंसान नहीं समझा, बस बच्चा बच्चा करके हम यू नो इग्नोर मारते रहे, उनकी बात को कभी इंपॉर्टेंस नहीं दी, इसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम्स यू नो सोसाइटी में हो जाती हैं दोस्तों। और उसके अलावा भी आपके आसपास जो लोग हैं आप उनको भी यू नो बराबरी का वो दीजिए, दर्जा दीजिए, वो कुछ भी हो सकते हैं, आपके घर में काम करने वाले हो सकते हैं, आपके आसपास कोई बस्ती हो सकती है, वो उनके पास क्या फैसिलिटीज हैं, क्या उनके पास ऐसी फैसिलिटीज हैं जिन फैसिलिटीज में हम लोग जी रहे हैं? तो ये अगर हर आदमी देखिए दोस्तों ऐसा ही सोचने लगे तो
हमारी दुनिया जो है, जो ये सोसाइटी है, ये कितनी खूबसूरत हो जाएगी। अगर आज प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट कर रही हैं, पॉवर्टी की प्रॉब्लम्स हैं, डाउरी डेथ्स हैं, या कोई भी प्रॉब्लम सोच लीजिए, अल्कोहलिज्म है या मर्डर्स हो रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए हो रहे हैं कि एक ग्रुप लोगों का अपने आप को दूसरे से बेहतर समझ रहा है, दूसरे से ताकतवर समझ रहा है, तो हम इसके हम इसकी जान ले लेंगे और हम इसको जीने नहीं देंगे, या हम कास्ट सिस्टम इज अगेन बेस्ड ऑन ऑल दिस के ये छोटे ट्राइब का है, ये हम बड़े लोग हैं और इनमें आपस में शादी नहीं हो सकती, एंड ऑल दीज प्रॉब्लम्स, जितनी भी सोसाइटी में प्रॉब्लम्स हैं दोस्तों, ये सिर्फ इसलिए हैं कि आज डेमोक्रेसी की जो एक्चुअल जो डेफिनेशन होनी चाहिए उसको हम एक्चुअली नहीं समझ पा रहे हैं। तो डेमोक्रेसी में ऑब्वियसली ये कंसेप्ट आएगा कि हाँ भाई, हमारी जो गवर्नमेंट है वो ऐसी होनी चाहिए, लेकिन ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी आएगा कि हम कैसे होने चाहिए। जब भी राइट्स की बात आएगी, ह्यूमन राइट्स की बात आएगी, इंक्लूसिवनेस की बात आएगी, इक्वेलिटी की बात आएगी, तो ये सिर्फ गवर्नमेंट की पॉलिसीज बना देने से नहीं होगा, ये तब होगा जब सोसाइटी का एक एक बंदा इस चीज को फॉलो अप करेगा। फिर आप देखिए दोस्तों, अगर हम रियली में डेमोक्रेसी को फॉलो करें तो कोई अमीरी गरीबी का फर्क नहीं बचेगा। जो अमीर लोग हैं उनके पास एक्स्ट्रा बच रहा है तो वो दे देंगे गरीबों को, गरीबों की भी लाइफस्टाइल अच्छी हो जाएगी। जो अपने आप को कास्ट सिस्टम में ऊंचा समझ रहे हैं वो फिर घुलने मिलने लगेंगे, बड़ा छोटे का फर्क खत्म हो जाएगा और सबकी बात सुनी जाएगी, समझी जाएगी। हाँ, डिसीजन जो टेकिंग जो है वो जो भी मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन कहेगी उस पर लिया जाएगा। तो दोस्तों, जब ऐसा सिस्टम होगा तो आप देखिएगा इस सोसाइटी में होने वाली बहुत सी प्रॉब्लम्स जो हैं वो हल हो सकती हैं। तो सिर्फ आज इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी है, तो मैं इसमें आप लोगों से सबसे यही चीज रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। स्पेशली हम इंडियंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एंशियंट इंडिया से ये कंसेप्ट चला आ रहा है, ये कोई नया कंसेप्ट हमारे लिए नहीं है। सो इंडिया शुड बी वर्ल्ड लीडर इन डेमोक्रेसी। हमें पूरी दुनिया को दिखाना है कि डेमोक्रेसी होती क्या है, और ये तभी हो सकता है दोस्तों जब डेमोक्रेटिक कंसेप्ट हम में से हर एक आदमी अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करे, लोगों की मदद करे, लोगों के बारे में सोचे, उनका अच्छा बुरा सोचे। अपना अच्छा बुरा सोचना कोई गलत बात नहीं होती, अपना अच्छा बुरा सबको सोचना चाहिए, लेकिन अपना अच्छा करेंगे दूसरे की कॉस्ट पर या दूसरे को बुरा पहुंचा के, वो कंसेप्ट खत्म होना चाहिए, क्योंकि हमें डेमोक्रेसी फॉलो करनी है एंड इक्वेलिटी इज अ बिग कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी। तो दोस्तों, अपने आसपास अपने जो भी लोगों का आप फायदा कर सकते हैं उनका फायदा करिए, उनको जिस भी तरीके से आप मदद कर सकते हैं, तन से, मन से, धन से, जिस भी तरीके से, है ना। अगर आप किसी को कोई फिजिकल सपोर्ट पहुंचा सकते हैं, लेट्स से मान लीजिए आपके पड़ोस में ही कोई एक ओल्ड लेडी रहती हैं जिनके पास जिनकी बॉडी में अब इतनी भी ताकत नहीं बची कि वो अपना सामान बाजार से लेके आए, तो अगर आप अपना ही सामान लेने जा रहे हैं तो उनके लिए भी कुछ ला दीजिए, और आपके आसपास गरीब लोग हैं उनको पैसे की चाहिए तो उनको पैसे से मदद कर दीजिए, और जो आपसे छोटे हैं, जो अभी उस लाइफ की स्टेज में नहीं है कि वो अपना अच्छा बुरा समझ पाएं, तो उनको अच्छे सजेशंस दीजिए, अच्छे काम करने में, नई चीजें सीखने में उनको सपोर्ट करिए, अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करिए अपने घर में, अपने जो भी रिलेटिव्स हैं। आपको लगता है आपके रिलेटिव्स में कोई गरीब है जो रह जा रहा है बच्चा और उसको उसकी एजुकेशन नहीं हो पा रही है, तो आप सपोर्ट करिए, आप उसको एक अच्छी एजुकेशन दिलाइए। आपके पास पैसे हैं तो आप किसी बच्चे को फंड भी कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो मतलब प्राइवेट कॉलेजेस तो छोड़िए, जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं उनका खर्चा भी नहीं दे पाते, उनको सपोर्ट कर सकते हैं।
सारे हमारे यहाँ ऑर्फनेजेस वगैरह खुले होते हैं, वहां अपना डोनेशन दे सकते हैं किसी भी तरीके से। देखिए दोस्तों, अभी कोरोना का इतना बड़ा पेंडेमिक गुजरा हम लोगों के ऊपर से, इतना लॉकडाउन था, लोगों के पास खाने को नहीं था क्योंकि लोगों के काम चले गए, स्पेशली जो डेली वेजर्स होते हैं, क्योंकि सब कुछ शटडाउन किया। वो एक बड़ा टाइम था जब हम रैली में पावर ऑफ डेमोक्रेसी दिखा सकते थे कि हम लोगों को क्या फायदा पहुंचाते हैं ऐसे हालात में जब लोगों के पास काम नहीं है और वो जो स्पेशली जो एवरीडे कमाते खाते हैं उनके उनकी फैमिली में क्या हो रहा है उसके बारे में। अभी भी बहुत सारे लोग हैं जिनके छोटे छोटे बिजनेस हैं वो खत्म हो गए इस पेंडेमिक की वजह से, जब पूरा लॉकडाउन हुआ, तो उनकी आप मदद कर सकते हैं। किसी को एक ठेला लेके दे दीजिए, थोड़ा सा एक इनिशियल मनी लेके दे दीजिए, जो वो सब्जी खरीद ले, एक दिन की सब्जी से जो प्रॉफिट आएगा फिर वो अपना दूसरे दिन लगाए, बाकी मेहनत करना तो उसी का काम है ऑब्वियसली। किसी को आप एक छोटा सा टी स्टॉल बनवा के दे सकते हैं, किसी को अगर सिलाई आती है तो एक सिलाई मशीन दिला सकते हैं। बहुत सारे हमारे यंगस्टर्स होंगे जो ऑनलाइन काम सीखना चाहते होंगे तो उनको ऑनलाइन काम सिखा सकते हैं, या उनकी जो भी अगर उन्हें ट्रेनिंग चाहिए उसकी फंडिंग कर सकते हैं। तो बहुत बहुत तरीके हैं दोस्तों कि हम इस डेमोक्रेसी को अपने अंदर इनकलकेट करें, इसको प्रैक्टिस करें। अपने घर में देखिए, अपने आसपास के लोगों की मदद करिए, यही सबसे ज्यादा हो जाता है। मैंने तो बहुत बार ये भी देखा है कि लोग बाहर तो बहुत अच्छे हैं लेकिन अपने घर में बहुत ही अजीब बिहेव करते हैं। लोगों के साथ अच्छा बिहेव करिए, अपने आपकी वाइफ हो, आपका हस्बैंड हो, आपके बच्चे हो, उनको सपोर्ट करिए लाइफ में, फिर आप देखिए कितनी खूबसूरत ये लाइफ हो जाती है जब हम एट ईच लेवल, फैमिली लेवल पे, सोसाइटी लेवल पर, कंट्री लेवल पर, हम इस डेमोक्रेसी को प्रॉपर्ली अगर हम फॉलो करें। कोई भी इलेक्शन होता है, बहुत सारे लोग हैं निकलते ही नहीं हैं कि वोट दें, फिर बाद में गवर्नमेंट को कोसते हैं। तो अब गवर्नमेंट को कोसने से क्या होगा जब तुमने वोट ही नहीं दिया? तो जब राइट टू वोट है तो भाई आपके आपको वोट देना आपकी एक ड्यूटी भी बनता है। ऑब्वियसली जहां पे भी देखिए दोस्तों राइट्स होंगे वहां ड्यूटीज की बात होना जरूरी है, क्योंकि बिना ड्यूटीज के राइट्स किसी को दे देना बहुत ही खतरनाक होता है ना। से फॉर एग्जांपल किसी के आप कहते हैं, हम लोग कहते हैं कि हमारे पास राइट टू फ्रीडम होना चाहिए, मतलब हमें आजादी होनी चाहिए हम जो भी करना चाहते हैं, लेकिन उसके साथ ऑब्वियसली बाउंडेशंस भी होनी चाहिए, ड्यूटीज भी होनी चाहिए कि आपको फ्रीडम मिली है तो आप उसमें क्या करोगे। अगर आप सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं कर सकते हो तो वो राइट टू फ्रीडम एक्चुअली खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि ऐसा इंसान जो है वो फिर किसी गलत काम में पड़ जाएगा और सोसाइटी को नुकसान पहुंचाएगा, है ना दोस्तों। सो वी इंडियंस, क्योंकि ये हमारे एंशियंट इंडिया का कंसेप्ट है डेमोक्रेसी का, तो हमें लीडर्स बनके आना चाहिए इन डेमोक्रेसी, और पूरी दुनिया को ये दिखाना चाहिए कि एक्चुअली डेमोक्रेसी होती क्या है। और ये चीज हम आज से अभी से अपनी फैमिली लाइफ से ही स्टार्ट कर सकते हैं, और फिर और काम करिए, बाहर निकलिए, बाहर देखिए किसको जरूरत है। जहां पर भी देखिए दोस्तों, अगर इंसान परेशान है तो इसका मतलब कि उसका किसी तरीके के राइट्स का वायलेशन हो रहा है, तो उन परेशानियों को दूर करने की कोशिश करिए, जितना आप कर सकते हैं करिए, नहीं तो गवर्नमेंट की हेल्प लीजिए, लोगों को सचेत करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप अगर कुछ बड़ा काम करना चाहेंगे तो ऑब्वियसली आप लोगों को जोड़ेंगे अपने साथ तो एक बड़ा काम कर सकते हैं। जैसे मैंने एक कंसेप्ट दिया कि पूरे मोहल्ले के लोग मिलकर एक ऑर्फनेज अपने मोहल्ले में चला सकते हैं, जिसमें अगर कोई छोटे बच्चे रह जाते हैं जिनके माँ बाप नहीं हैं तो वो पल सकें। तो इस तरीके के हम बहुत सारे काम अपनी सोसाइटी में कर सकते हैं, बशर्ते कि हम अपने आप को इस सोसाइटी, इस डेमोक्रेसी का हिस्सा माने दोस्तों। तो आज से अपना वी नीड टू प्लेज कि हमारा हर डिसीजन, हमारा हर एक्शन इस पर बेस्ड होगा कि हम लोगों के लिए क्या कर रहे हैं। सो दिस सोसाइटी यू नो शुड बी फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल दोस्तों। थैंक यू दोस्तों मेरी बात इतना सुनने के लिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक करिए, इसको शेयर करिए, और
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहिए, हमें भी आप सिखाइए, हम आपसे भी सीखना चाहते हैं। थैंक यू दोस्तों।